सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 13 दिसंबर को हुए संसद कांड ने देश के सियासत में भूचाल ला दिया है। एक ओर जहां कांग्रेस संसद में जोरदार हंगामा कर रही है, तो दूसरी ओर संसद से बाहर कांग्रेसी नेता सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले को नया एंगल दे दिया है। राहुल ने बेरोजगारी और महंगाई को संसद में हुई सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से ही संसद पर हमला किया, साथ ही देश में बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता के गुस्से की बात कही। देखिए, सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भी मामले पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब। हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। बता दें कि संसद में सुरक्षा चूक के बाद विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान शाह के जवाब और बीजेपी सांसद प्रताप सिंह पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ने दोनों सदनों से 14 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष भड़क गया और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 2 युवक अंदर घुसे और पूरे परिसर में पीला धुआं फैला दिया। वहीं 2 लोगों ने संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। फिलहाल पुलिस ने इन 4 और इस कांड के मास्टरमाइंड ललित झा समेत कुल 7 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।